रविवार की रात टेलीविजन की दुनिया में क्या क्या होगा खास बताएगा आपको टेली रिपोर्टर वीकेंड रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीकेंड शोज की टॉप हेडलाइन से। लास्ट प्रो सीजन 4 में माधुरी के ठुमके वाला परफॉर्मेंस करेगा आपको ढेर सारा एंटरटेन। कानपुर वाले खुराना में राजकुमार राव बताएंगे अपनी प्रेम कहानी को, तो वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाएंगे परेशान जीजाजी के सालियों से। सारेगामापा में होस्ट तो होस्ट लेकिन कंटेस्टेंट्स भी हो गए यामी पर फिदा। कपिल शर्मा शो में पूनम सिन्हा ने कह दिया खामोश, तो वही विक्की कौशल से लेना चाहते हैं हमारे चंदू ढेर सारे इंस्पिरेशन। सुपर डांस चैप्टर 3 में त्वेषा ने जीता सभी का दिल, तो वही डांस गुरु दिखाएंगे अपना जलवा। नागिन 3 में बेला का देखिए रौद्र रूप, वही वेलकम कीजिए दो खूबसूरत नागिनों का। खतरों के खिलाड़ी में आखिर क्यों रोहित शेट्टी ने दे दी विकास को इतनी बड़ी धमकी और भारती के आंखों से बह गए ढेर सारे आंसू। हाय गाइस, मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त पूजा पाल, और मैं आपको बताने वाली हूं कि इस वीकेंड आप अपने टेलीविजन पे कौन कौन से सीरियल्स देखेंगे और इन सीरियल में क्या क्या नया आपको देखने मिलने वाला है। स्टार प्लस पर इस बार छाएगा माधुरी दीक्षित का जादू। जी हां, डांस प्लस सीजन 4 में इस बार गेस्ट के तौर पर आई है डांसिंग सेंसेशन माधुरी दीक्षित। उनके आने की खुशी में शो के जज शक्ति ने उनके लिए एक ट्रिब्यूट वाला डांस परफॉर्म किया जो माधुरी जी को बेहद पसंद आया। तो वही शो के ग्रुप ने डांस किया जहां उन्होंने किन्नरों के मुश्किलों के बारे में बताया, और ये डांस काफी ज्यादा इमोशनल रहा और माधुरी को भी ये डांस काफी ज्यादा पसंद आया, इतना कि उन्हें खड़े होकर दे दिया इन्हें ग्रैंड सैल्यूट। स्टार प्लस के मोस्ट कॉमेडी शो कानपुर वाले खुराना में इस बार राजकुमार राव चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, लेकिन इनके आते आते ही इनका सामना हो गया भूतों से, जहां सुगंधा मिश्रा, उपासना सिंह, सुनील ग्रोवर ने इन्हें जमकर डराया। तो वही मान लो प्रॉब्लम के बारे में जीजा जी ने राजकुमार राव को बताया। वह आपको बता दे कि आपको इस वीक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शो पर नजर आने वाले हैं। जी टीवी के टॉप म्यूजिकल शो सारेगामापा का इस बार देखिए महा एपिसोड, जहां शो में आए हैं यामी गौतम और विक्की कौशल अपने रिलीज्ड मूवी उरी को प्रमोट करने। वेल शो में खूबसूरत यामी आई हैं, तो कंटेस्टेंट्स, होस्ट और जज हर कोई पड़ गया यामी के पीछे और हर कोशिश की कि कैसे वो उन्हें इंप्रेस कर सके। यहाँ तक कि शो के कंटेस्टेंट ने उनके लिए एक रोमांटिक गाना भी गाया। सोनी टीवी के कॉमेडी शो तक कपिल शर्मा शो में इस बार आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा। कपिल ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ की खूब सारी मस्ती, तो वही शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी वाइफ पूनम सिन्हा के सामने दे दी खतरनाक वाली वेडिंग टिप्स। वेल, हर बार सबको खामोश कहने वाले शत्रु जी को आज कोई खामोश कह दिया। वे शत्रुघ्न सिन्हा की वेडिंग टिप्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो एपिसोड है वो भी मजेदार होने वाला है। तो वही रविवार के एपिसोड में आपको उरी की स्टार लीड यानी विक्की कौशल और यामी गौतम नजर आने वाले हैं, जहाँ हमारे चंदू पहुंच जाते हैं विक्की के पास और कहते हैं कि आप तो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं, थोड़ा मुझे भी इंस्पिरेशन दे दीजिए। लेकिन कपिल यहाँ भी चंदू की बात को काट देते हैं। यहाँ तक कि कपिल ने तो किकु शारदा यानी अब सबके बच्चा यादव का भी खूब सारा मजाक उड़ाया है। सुपर डांस चैप्टर 3 में इस बार त्वेषा जीत जाएगी आप सभी का दिल। जी हाँ, नन्ही प्यारी त्वेषा ने जब जादू की झप्पी पर डांस किया तो हर कोई दंग रह गया। हर कोई ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ 5 साल की है। शो के फाइनल ऑडिशन शुरू हो गए हैं जहां बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही संचित ने किया ऐसा डांस जहां सभी गुरु आ गए उनके चरणों पर और कह दिया डांस हो तो वैसा। वेल, नागिन 3 में इस बार बेला का रौद्र रूप आपको काफी डराने वाला है। जी हाँ, नागिन के मन में बदले की भावना अब जाग गई है और नागिन के साथ आ गई है दो और नागिन शो में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जल्द ही नागिन 3 में नई नागिनों की एंट्री होने वाली है, और आज के एपिसोड में आपको फाइनली अदिति शर्मा और संगीता चौहान नजर आने वाले हैं। बिला ने ये ठान लिया है कि 6 महीने का लीप लेकर वो अपने दुश्मनों से बदला लेगी, चाहे वो उसकी सासू माँ हो या उनके पति माहिर हो। वेले देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नई नागिनों के एंट्री से शो में और क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नागिन फरवरी के महीने में अफेयर हो जाएगा और उसे वापस एक सुपर नेचुरल शो ही रिप्लेस करने वाला है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में इस बार अली गोनी और अदित नारायण ने गाया सभी के लिए रैप, लेकिन ये रैप थोड़ा बुरा लग गया शो के कंटेस्टेंट विकास गुप्ता को। जैसे कि आप जानते हैं कि कंटेस्टेंट्स के मन में डर और एक्साइटमेंट दोनों ही रहती है, लेकिन पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने ये भी देखा था
कि विकास की वजह से भारती पहुंच गई थी एलिमिनेशन स्टंट में और आज के एपिसोड में इन दोनों को फाइनली लड़ना होगा अपनी जगह के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो विकास गुप्ता ने स्टंट को कह दिया नो, लेकिन इस बात पर रोहित शेट्टी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कह दिया कि इस शो का ड्रामा फॉर्मेट नहीं है, आप आए हैं स्टंट करने के लिए, आपको स्टंट करना होगा। मैं बात करूं भारती की, सबको हंसाने वाली भारती की आंखों में आज आप रात 9 बजे ढेर सारे आंसू देखने वाले हैं, क्योंकि स्टंट ही था कुछ ऐसा जिसके बाद भारती उस पेन को कंट्रोल नहीं कर पाई और रो पड़ी। वेल, भारती रोए और बाकी कंटेस्टेंट्स हंसे, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो शो की कंटेस्टेंट रिधिमा पंडित की आंखों में भी आ गए हैं आंसू। वही हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले आदित्य को हमेशा हमेशा रोहित कहते हैं कि आप कोई गाना गा लीजिए, और उनका एंटरटेनमेंट फैक्टर भी शो में एक टीआरपी प्लस पॉइंट जरूर लेके आता है। वेल, आज रात के एपिसोड में आपको एलिमिनेशन स्टंट्स के फाइनल मुकाबले को देखने मिलेगा। हमारे आज के इस वीकेंड रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन टेलीविजन की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।